हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, अगर ये आप किसी भी रेफरेंस बुक में रेफ़र करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल बना के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक डायग्राम दिया ये है कि DE और FG जो है ना, DE FG ये पैरेलल है। वैसे मेरे डायग्राम में ये पैरेलल दिख नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं, DE FG पैरेलल हैं। और हमें ये प्रूव करना है कि DEG इज इक्वल टू हाफ EDF और बाद में EF इक्वल्स टू FG। ये दो तीन चीज़ हमें प्रूफ करनी है। और भी बच्चे कुछ दिया है, जैसे कि EG जो है वो DEF का पूरे एंगल E का बाइसेक्टर है, यानी कि ये दो इक्वल पार्ट है। और साथ ही साथ ये जो FG जो है ना, वो DFM का बाइसेक्टर है, DFM का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं बहुत सारे चीज़ों को अज्यूम करने वाला हूँ। तो मैं ये मान लेता कि भाई ये है हमारा x, तो ये भी हो जाएगा x, क्योंकि ये x और ये x क्यों, क्योंकि EG जो है वो उसने DEF को बाइसेक्ट कर दिया है, पता क्या समझ में। और इसे मैं लेता हूँ अगर y, क्या ले लिया बच्चों y, तो ये भी हो जाएगा y। y क्यों, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि FG ने DFM को बाइसेक्ट कर दिया है। और इसे मैं ले लेता हूँ A और इसे मैं ले लेता हूँ B, ये वाला एंगल, ये एंगल A ले लेता हूँ, ये एंगल B ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ एंगल्स की मार्किंग कर ली है। अब ज़्यादा दूर नहीं जाना है आपको, आपको जाना है इस ट्रायंगल के अंदर और अप्लाई करना है जिस प्रॉपर्टी के बारे में आप पहले से ही जानते हो, ठीक है बच्चों। तो DFM, बच्चा DFM एंगल जो DFM है वो क्या है, तो मैं बोलूँगा इन ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF में ये जो DFM है, एंगल DFM बराबर, पूरे डायग्राम में से सिर्फ DFM को देखो बराबर, आंखें बड़े करके, क्योंकि हमको सिर्फ DFM का वैल्यू चाहिए। तो ये पूरा एंगल क्या है बच्चों, क्या ये पूरा एंगल y प्लस वाई 2y नहीं है, ये 2y नहीं है, y प्लस वाई, DFM इज y प्लस वाई 2y, isn't it? फिर ट्रायंगल DEF में EF में एंगल DFM इज एक्सटीरियर एंगल, DFM इज एक्सटीरियर एंगल बच्चों, DEF एक्सटीरियर एंगल है। अगर DEF एक्सटीरियर, DFM एक्सटीरियर एंगल है, तो DFM कौन कौन से एंगल को प्लस हो जाएगा, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल। अरे बच्चों ये वाला एंगल कौन है, ये DEF कौन है, DEF x प्लस x, ये 2x है। और एंगल डी कौन है, एंगल डी ए है, बराबर है ना बच्चों। तो DFM एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं ऐसा बोलूंगा एंगल DFM विल बी इक्वल टू एंगल ई प्लस एंगल डी, एंगल ई प्लस एंगल डी, पूरा एंगल ई। मतलब क्या, 2y इज इक्वल टू 2x प्लस ए, क्योंकि डी जो है वो क्या है, ए है। तो 2y इज इक्वल टू 2x प्लस a। बच्चों मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूं, 2 से सबको डिवाइड कर दूं, तो y इज इक्वल टू x, इसको मैं 2 से डिवाइड किया तो y बच गया, इसको जब हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा, x बचा, और इसको 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा a बाई 2 डिवाइडिंग बाय 2। अब जाके हम यहाँ पर एक बार और देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको मिल गया एक आपका इक्वेशन वन, ये क्या मिल गया, इक्वेशन वन, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो आप। अब दूसरा बात जो आपको ध्यान देना है बच्चों, वो ये है, ये लाइन है ED यानी DE, और ये जो लाइन है ये है हमारा FG, और ये DF है, क्या DF। अब बहुत अच्छे से ध्यान दे के मुझे बताओ कि यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल कौन है, वो एंगल A है। यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर दिख रहा है आपको FG और DE के बीच में, यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल कौन है, वो एंगल Y है बच्चों। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल A और एंगल Y क्या हो जाएंगे, बताओ क्या हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में मैं ये कह दूंगा कि DE इज पैरेलल FG एंड DF इज ट्रांसवर्सल, DF इज ट्रांसवर्सल, therefore एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल Y, ये हो जाएगा हमारा ऑल्टरनेट
ऑल्टरनेट एंगल्स ए इज इक्वल टू वाई। अब आप क्या करो ना बच्चों, ये वाई के जगह पर ये ए रख दो, वाई के जगह ये जो फर्स्ट इक्वेशन में वाई है ना उसकी जगह पर ए रख दो, वाई के जगह पर ए रख दो। तो पुट वाई इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन वन, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा इक्वेशन वन आपका, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बाई टू, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बाई टू। ठीक है बच्चों, अब देखो देयरफॉर ए माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू एक्स, ए इधर आ गया, ये ए बाई टू इधर आया तो ए बाय माइनस ए बाई टू हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स। अब इसको आपने जब सॉल्व करोगे तो ये टू ए माइनस ए अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, टू ए इंटू ए अपॉन वन इंटू टू टू इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा आपका, आपका एक्स हो जाएगा ए बाई टू, डैट इज एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू ए, एक्स इक्वल्स टू हाफ इंटू ए। अब जाके हमको देखना है कि भाई एक्स कौन है, तो ये एंगल एक्स है जिसका नाम है डी ई जी, डी ई जी, अरे समझ में आ रही है बच्चों, डी ई जी तो एक्स है, तो एक्स की जगह लिख दूंगा एंगल डी ई जी इज इक्वल टू हाफ इंटू, और ए कौन है, अरे ई डी एफ, ए कौन है, ई डी एफ, ई डी एफ, एंगल ई डी एफ, एंड दिस इज आवर प्रूफ। तो था कि नहीं बच्चों, एकदम इजी सिंपल, एकदम बेस्ट मेथड, ये सुनो। तो होपफुली ये मेथड आपको समझ में आया रहेगा और पसंद भी आएगा। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ई एफ, ये सेकेंड पार्ट है, ई एफ इज इक्वल टू एफ जी। बच्चों ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, मैं क्या करता हूँ, ये ई एफ और एफ जी वाले ट्रायंगल को मैं बना लेता हूँ, समझ में आ रहा है। तो ई एफ और एफ जी वाले ट्रायंगल को बना लेते हैं हम लोग, तो ये है ई एफ, ये है एफ जी, और ये ऐसे जॉइंट है, ये आपका है ई एफ और ये आपका एफ जी, बराबर बच्चों। इस ट्रायंगल से मैंने वो वाला ट्रायंगल बना लिया। बच्चों यहाँ पर जो एंगल है एक्स है और यहाँ पर जो एंगल है वो बी है, यहाँ पर जो एंगल है वो एक्स है, यहाँ पर जो एंगल है वो बी है। यानी अगर हमने प्रूव कर दिया एक्स और बी इक्वल है, एक्स और बी इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से ई एफ और एफ जी साइड इक्वल हो जाएगा। तो नाउ बच्चों हमको क्या प्रूफ करना है, हमको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि एक्स और बी इक्वल है, और एक्स और बी को इक्वल तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कैसे, तो ऐसे, ये है हमारा डी ई, ये है हमारा एफ जी, और ये है ट्रांसवर्सल। बच्चों डी ई इज पैरेलल टू एफ जी एंड ई जी इज ट्रांसवर्सल, इजंट इट, ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर एंगल कौन है बच्चा, देखो यहाँ पर एंगल कौन है, ये एंगल x है, यहाँ पर एंगल कौन है, यहाँ पर एंगल b है, बराबर देखो, बराबर है। तो सीधी सी बात हो गई, एंगल x इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू एंगल b, एंगल x इक्वल्स टू एंगल b, और रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड इन ट्राइंगल ई एफ जी, ई एफ जी ट्राइंगल में, ई एफ जी ट्राइंगल में एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल बी, ये फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर हमने कुछ दिया है क्या, टू, तो ये थ्री होगा और ये फोर होगा, तो फ्रॉम थ्री, एंड देयर फोर एक्स के सामने साइड कौन सा है, ऑपोजिट साइड जी एफ, तो एफ जी, जी एफ यानी एफ जी, बराबर, ओके, अभी आप लोग छोटे हो ना, तो अभी जी एफ नहीं एफ जी पे ध्यान दो, आगे समझ में, तो जी एफ यानी एफ जी, तो एफ जी मिल गया, और बी के सामने साइड कौन सा है, यह है ई एफ, यह है ई एफ, बराबर है क्या बच्चों, अरे यही तो प्रूफ करना है, ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, तो ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, रीजन है कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ऑल राइट, सो दिस विल एंड आवर क्वेश्चन नंबर 10, बराबर। और बच्चों मैं ये गारंटी देता हूँ आपको इससे सिंपल इजी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ऑल राइट।